हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो का निकालें 15 मई टू 15 जून कैसा रहेगा, लव एंड करियर बोथ। और जनरल रीडिंग है, ऑल एज ग्रुप के लिए है। चलिए देखते हैं क्या आया है आपके लिए। ऐसा लग रहा है जीवन में एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। जो भी आप चाह रहे हैं वो काम आप कर सकते हैं और बेहिचक करें। बहुत इन्जॉयमेंट है आपके लाइफ में। अभी मुझे लग रहा है 1 मंथ आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो लाइफ में। और क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है, 3 ऑफ कप्स आया है और नई शुरुआत आपकी लाइफ की होने वाली है। ठीक है, कुछ ना कुछ जो आप चाह रहे थे उसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है स्कॉर्पियो। चाहे वो लव लाइफ का हो या करियर लाइफ का हो, और आप अपने अपने तरीके से इसको देखें। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन एक नई शुरुआत आप करेंगे। अगर आपको ऐसा फील हो रहा, बहुत कहीं हैंग्ड हैं अपने लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या करियर को लेके हो या लव लाइफ को लेके, कहीं ना कहीं हैंग्ड हैं, तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यानी मन में बहुत कुछ चल रहा है आपका कि क्या करूं और क्या नहीं, तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि अभी समय बहुत अच्छा आ रहा है आपके लिए। आप डिसीज़न जो भी लेंगे आपके लिए वो बेस्ट होगा। ठीक है, चाहे आप जिस भी लाइन, जिस भी तरीके से देख रहे हैं, करियर के लिए देख रहे हैं या कुछ भी। करियर में विशेषकर मैं ये बोलूँगी, बहुत कोई अगर यंगर्स हैं और गवर्नमेंट सर्विस के लिए अगर देखना चाह रहे हैं या कुछ करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं बेहिचक अप्लाई करें, सक्सेस है आपको। ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने अप्लाई भी कर रखा होगा और एग्ज़ाम दे दे के अगर थक चुके थे, हैंग थे और रिजल्ट आने वाली है, देन आप परेशान ना हो। उनके लिए भी मैं कहूँगी यस है, कार्ड्स आए हैं। ठीक है, बहुत कोई ऐसे हैं जो परेशान तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके लाइफ में अगर लव लाइफ में कहीं कुछ ऐसा था या मैरिड लाइफ में कहीं कुछ ऐसा था, तो वो हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हो आप। ठीक है, और क्योंकि मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी, बहुत अच्छी से रहोगे। कुछ भी ऐसा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैनिफेस्टेशंस मेरे जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर्स हैं वो कर रहे हैं, देन मैरिड लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दो दो सन के कार्ड आए हैं। देखो, मेजर कार्ड भी मैंने निकाला, दो दो सन के कार्ड आए हैं, दो दो लवर्स के कार्ड आए हैं। अगर कोई डिसीज़न आपको लेना है तो आप ज़रूर ले सकते हैं। मे बी अगर पेरेंट्स का कहीं कुछ इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है मैरिज के लिए अगर आप लोग देख रहे थे और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट था कि नहीं, हाँ, और बहुत हैंग्ड हो आप, देन उन आपके लिए मैं ये कहूँगी कि उनको कोई ना कोई समझाने आ रहा है, कोई ना कोई बताने आ रहा है, और फिर उनकी तरफ से यस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके फेवर में कार्ड्स आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, तो समय का, किस्मत का पहिया घूम चुका है। अगर मैरिज के लिए कहीं कुछ अटके पड़े थे, फंसे पड़े थे, उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी देन यस है। और अगर करियर के लिए देख रहे हैं तो मैं बार बार ये कह रही हूँ कि बेहिचक आप तैयारी अगर कर रहे हैं और फॉर्म भर दें, और गवर्नमेंट सर्विस बहुत चांसेस हैं। अगर बहुत कहीं से फिलअप कर चुके हों, देन उनका भी और ज़्यादा है। ठीक है, उनके लिए भी मैं कहूँगी यस है, परेशान नहीं होना है। अभी मैं एंजल की तरफ से भी निकाल रही हूँ कार्ड्स, उससे और क्लियर हो जाएगा कि वाकई में जो मैं कह रही हूँ वो है या नहीं है, क्योंकि कार्ड्स देख के ये मैंने कहा है। तो फर्स्ट कार्ड ही आ गया है, नो नीड टू वरी, इसलिए मैंने कहा कि हैंग्ड हैं आप लोग, परेशान हैं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और आप अपने अपने तरीके से देखना है आपको कि क्या सोच रहे हो। जो भी सोच रहे हो उसके लिए मैं आंसर आपके लिए बता रही हूँ, करियर लाइफ में या मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में कहीं कुछ ऐसा था, देन उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि नो नीड टू वरी है और यस का भी कार्ड आया है, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आप डिसीज़न ले सकते हैं कोई भी चीज़ का और उस पर आप वर्क करें और बिल्कुल होगा। ठीक है, और अपने इंट्यूशंस पे ज़रूर ध्यान देना है और सक्सेस आपको मिलने वाली है। ठीक है, बहुत दिन से आप वर्क कर रहे थे ऐसा मुझे लग रहा है कार्ड्स देख के, तो आपकी लाइफ में सनराइज़ होने वाली है। कि दो दो सनराइज़ का कार्ड आया है, लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, और ऑल एज ग्रुप के लिए है। अपने अपने तरीके से देखें, जो रेजोनेट हो रही है वो आपके लिए है, जो नहीं हो रही है वो किसी और के लिए भी है। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर हो सकता है बहुत कोई ये जो देख रहे हैं वो करियर के थ्रू देख रहे होंगे, कोई हो सकता है लव के लिए देख रहे हैं, मैरिज के लिए देख रहे हैं, या मैरिड लाइफ में कहीं कुछ ऐसा चल रहा था, तो सबके लिए मैं ये कहूँगी। और मैरिड लाइफ में अगर इनकेस किसी का कुछ चल रहा है तो वो ठीक हो जाता है अगर आप चाहते हो, देन ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना। अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में रहना तो ज़रूर करें, वो वर्क कर रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, बहुतों की लाइफ बदल रही है और आपकी भी बदलेगी। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं। मैंने बहुत का जनरल रीडिंग में बहुत बार मैंने किया है, अब जाके मुझे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैम जो आपने कहा था वैसे हो रहा है मेरा, और बिल्कुल यानी कोई थे जिनका फैमिली का कुछ इश्यूज था, ठीक है, उनका भी आंसर दिया है मैंने और रीडिंग की है, तो यस में आ रहे हैं आंसर। पेशेंस रखें। और वृश्चिक राशि आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि फाइनेंशली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। अगर कहीं स्टक थे,
आपके लाइफ में वृश्चिक राशि बहुत खुशियाँ आने वाली है, फैमिली लाइफ बहुत इंजॉय करने वाले हो, कहीं घूमने जाने वाले हो ऐसा फील हो रहा है और बहुत इंजॉय करने वाले हो। पसंद आता तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।